हिंदी दिवस के अवसर पर बृहद आयोजन। आज दिनांक जबलपुर में बच्चों द्वारा लिखे गए निबंध से शहर विकास में मिलेगी मदद। अगले साल 5000 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य। निबंध प्रतियोगित का हुआ समापन। स्कूली बच्चों को वितरित हुए इनाम। जबलपुर 55 वर्षों से सक्रिय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्था मित्र संघ द्वारा नगर निगम जबलपुर के सहयोग से तीसरे वर्ष में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का बृहद आयोजन करवाया गया, जिसका समापन मानस भवन में आयोजित भव्य समारोह में हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर अन्नू रहे। निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने अध्यक्षता की। पिछले 3 सालों से आयोजित की जा रही निबंध प्रतियोगिता में इस बार 3000 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए, जिसमें 6वीं से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 विषय मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी एवं विकास की दिशा में बदलता जबलपुर पर बच्चों ने अपने विचार निबंध के माध्यम से व्यक्त किए। कार्यक्रम में महापौर श्री अन्नू ने कहा, ऐसी प्रतियोगिता शहर विकास में सहायक रहती है। उन्होंने कहा है कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चों के निबंध के लिए अलग से गैलरी बनवाई जाएगी, साथ ही स्कूली बच्चों का गेट टुगेदर का आयोजन भी होगा। महापौर ने कहा है कि यह हमारा शहर है, इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इंदौर शहर का उदाहरण देते हुए कहा है कि इंदौर के रहवासी ना तो खुद शहर में कचरा फैलाते हैं, ना ही दूसरों को फैलाने देते हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और शहर को साफ रखने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बच्चे द्वारा लिखे गए निबंध में शहर विकास के लिए जरूरी जानकारी मिलेगी। और जी ने इस निबंध प्रतियोगिता के लिए अपने बहुत विशेष सहयोग हमें इस संस्था को प्रदान किया, जिसके कारण 80 स्कूलों के 3000 से अधिक बच्चों ने अपने विषय लिखे हैं शहर के विकास के संबंध में। उन्हीं का आज हम यहाँ पे बड़े स्तर पे पुरस्कार वितरण कर बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल हम चाहेंगे कि और अधिक संख्या में बच्चे इसमें शामिल हैं। आपका इसमें मूलभूत उद्देश्य क्या है? इसमें विषय हम लोगों ने इसका कलेक्टर साहब के साथ जब चर्चा हुई थी इस कार्यक्रम की, जब हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा शुरू की, तो ये विषय आया कि हिंदी का तो मातृभाषा, हिंदी को तो प्रमोट करना ही है, उसके साथ साथ जबलपुर के बच्चों को शहर के विषय के संबंध में कैसे जागरूक किया जाए कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और ये 6वीं से 9वीं के बच्चों के लिए था और बड़े बच्चों के लिए विकास की दिशा में बदलता जबलपुर। तो ये विषय ऐसे हैं कि बच्चे जब निबंध लिखेंगे तो इसके बारे में वो अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से कुछ सीखेंगे, तो शहर के प्रति कुछ उनमें एक जागरूकता की भावना आएगी। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग एक प्रयास करके दो काम पूरे करेंगे, हिंदी के प्रति भी जागरूकता लाएं और अपने शहर के प्रति भी एक जागरूकता का काम हो सके। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।